अस्सलाम वालेकुम जनाब, रमज़ान मुबारक। आखिरी रोज़ा है। आखिरी दफ़ा मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, कैसे गुजर रहे रोज़े? उम्मीद करता हूँ अच्छे गुजर रहे होंगे। बहुत एक्साइटमेंट है, खुशी होती है, क्योंकि जब ईद जब आ रही होती है ना तो बहुत खुशी होती है। मेरा फेवरेट जो है अपार्ट फ्रॉम शीर खुरमा वो है खीर पूरी। ठंडी ठंडी खीर हो, गर्मा गर्म पूरी हो तो ओहो बड़ा मज़ा आ जाता है। सो आज यही करेंगे। आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम खीर पूरी बनाने जा रहे हैं, ठीक है जी। सो यहाँ पे मैंने एक काम करके रखा है, क्योंकि इस काम को बहुत टाइम लगता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने दूध को पकने के लिए छोड़ा हुआ है। तकरीबन ये 1.5 लीटर दूध था मेरे पास, ठीक है। और उस 1.5 लीटर दूध में मैंने इसको कुछ नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, इसको पकने के लिए छोड़ा। आप देखें, ये इतना पक चुका है कि इसका कलर चेंज हो गया है, और ये इसके ऊपर जो मलाई आती जा रही थी वो मैं साइड पर करता जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर दूध मेरा रिड्यूस आधा हो चुका है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं शामिल कर रहा हूँ कच्चे चावल। अच्छा, अक्सर लोगों से आपने सुना होगा कि टोटा चावल ले लें खीर के लिए। नहीं, टोटा चावल नहीं लेंगे, चावल लेंगे अच्छी क्वालिटी का बासमती चावल। बासमती चावल क्यों लेंगे? क्योंकि उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। सो मैंने अच्छी क्वालिटी का बासमती चावल लिया हुआ है, और उसको मैंने यहाँ पर भिगो दिया। कोई 4-5 घंटे भीगा रहा है। भीगने के बाद मैंने उसको हाथ से मसल लिया है, ठीक है। ये इस तरीके से मसला हुआ चावल है, ये जाएगा इसके अंदर। चावल डाल दिए, अब आपने इसको हिला देना है, और इसको कंटिन्यूस हिलाते रहेंगे, क्योंकि क्या होता है, चावल है, चावल बैठ जाता है नीचे, ठीक है ना। तो उस चावल को बैठना नहीं चाहिए। यहाँ पे इलायची पाउडर, ठीक है जी, खीर है, इलायची तो उसमें होनी ही चाहिए, डाल के इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। कितनी देर के लिए पकाएंगे कि जनाब चावल का दाना बिल्कुल पकना जाए, ठीक है। साइड्स को स्क्रेप करते जाएंगे, बिकॉज यही जो चीज़ होगी, यही खीर को मुझे गाढ़ापन देगी, और यही चीज़ जो है मेरी खीर को बहुत अच्छा नटी सा फ्लेवर देगी। नटी से आ रहा है खीर में, भाई नट्स के नाम पे सिर्फ पिस्ता अच्छा लगता है मुझे, बादाम भी पर्सनली पसंद नहीं है। खीर में नट्स हो तो सिर्फ पिस्ता हो, और कोई ऐसा भी नट ना हो। अच्छा, थोड़ा सा इसमें खोया जाएगा। चावल का दाना जब बिल्कुल गल जाएगा, बिल्कुल मशी हो जाएगा, फिर मैं इसके अंदर चीनी डालूंगा, उससे पहले चीनी नहीं डालेंगे। अच्छा जनाब, ये चावल जो है मेरे यहाँ पे पक चुके हैं, ठीक है, और उसने खीर को अच्छा गाढ़ा कर दिया है। अब मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, मैं इसके अंदर शामिल करूँ चीनी, ठीक है। चीनी अपनी टेस्ट के हिसाब से डालें, कम ज़्यादा वाट एवर यू लाइक। अच्छा, यहाँ पर खीर जो है, खीर ने मेरी चीनी ने पानी छोड़ा था, वो पानी भी गाढ़ा हो चुका है, ठीक है। और खीर का दाना भी, चावल का दाना भी गल चुका है, चीनी का दाना भी खुश्क हो गया। अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा खोया डालूंगा, थोड़ा थोड़ा सा क्या, ये 2-3 टेबलस्पून के जितना भर के खोया है, ये मैं इसमें खोया डाल दूँगा, और इस खोए को इसमें कर देंगे मिक्स अच्छे से। ओके जनाब, खीर को सर्व करते हैं। खीर को मैं सर्व करूँगा इस खूबसूरत से मिट्टी कुंडे में, ठीक है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें और कलर आप देखें, भाई पिस्ता ज़रूर होना चाहिए, वो खीर ही क्या जिसमें पिस्ता ना हो। अच्छा, खीर का तो पूरा मामला मैंने आपको समझा दिया, अब आ जाते हैं ज़रा पूरी पे। पूरियाँ भी बनाएंगे जनाब। ऑब्वियसली बात है, खीर ठंडी अच्छी लगती है, तो ये चांद रात को आप बना के रख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लूँगा मैदा, मैदे के अंदर जाएगा थोड़ा सा ऑयल, ठीक है, और जस्ट अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बिल्कुल पिंच का मतलब लिटरली अ पिंच। इन सबको किया मिक्स, और इसको मैं रूम टेम्परेचर वाटर के साथ गूंध लूंगा, और इसको ढक के छोड़ देंगे आधे पौन घंटे एक घंटे के लिए, ठीक है। ओके जनाब, खीर यकीन माने सर, जो खुशबू और जो कलर आया ना खीर पे, बहुत मज़ेदार। यहाँ पे ज़रा पूरी बना लेते हैं, पूरियों के लिए पेड़े, वही नॉर्मल से पेड़े, जिस तरीके से पूरियों के लिए पेड़े होते हैं। अच्छा, जब ईट ट्रॉली की बात आ रही होती है ना, तो सर्विंग साइज़ बहुत बड़े बड़े मत रखिएगा। पूरी भी आप देखें, मैं बहुत बड़ी नहीं बना रहा हूँ, ये एक छोटी पूरी है, ठीक है, लेकिन इतनी छोटी भी ना हो कि वो पूरी नहीं कचौरी लगे। तो बस ज़रा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे,
ये पूरी उठाई, गरम खौलते हुए ऑयल में डाली। ठीक है जी, इसको देंगे पलट और ये पूरी मेरी हो गई जी डन। ठीक है, ये आप देखें, आई विश के इस कैमरे के पीछे के जो मनाजिर है वो आप लोग देख सकते हैं। सबके चेहरों की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है पूरी को लेके, खीर को लेके, और आई होप कि ये एपिसोड देख के आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। डू ट्राई दिस, सिंपल है, ई ट्रॉली पे शीर खुरमा रखते ही हैं यार, बट मेरे कहने पे एक दफ़ा इस तरह की खीर, वो खीर हैज़ टू बी, मैं कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि खीर हैज़ टू बी ब्लॉन्ड। ठीक है, खीर वाइट अच्छी नहीं लगती, तो खीर ब्लॉन्ड बनाएंगे और उसके साथ ही खूबसूरत सी मज़ेदार सी फूली फूली पूरियाँ बनाएंगे। मज़ेदार बात, ऑयल का टेम्परेचर अच्छा होगा तो पूरी आपकी कभी भी ऑयली नहीं होगी। या मैंने आपको एक रेसिपी दी है नेवर फेल पूरी की, सिंपल तीन चीज़ें हैं, नमक, ऑयल एंड मैदा। सो आई होप यू गाइज विल एंजॉय इट, टिल देन इंशाल्लाह फिर कभी आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।